तो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास कुछ कलर्स है और पेंसिल्स है तो आप उसे कैसे एक टेबल के ऊपर सजा सकते हो। तो अगर मैंने पहले ओवियसली कह दिया टेबल के ऊपर, तो ये रही मेरी टेबल, तो मैं अभी इसे पहले सेट कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिएगा। तो मैंने ये टेबल सेट कर लिया है, तो देखिए इसके कुछ ऐसे लेग्स है, तो ये ऐसे फोल्डेबल है, तो ये मैंने आप ऐसे सेट कर लिए। तो आपको जो आपको सबसे पहले लगाना है आप उसे निकाल लीजिए। तो मुझे ये लगाना है तो मैंने इसे निकाल लिया। और ये कलर्स बॉक्स है, देखो ये लिख भी रहा है इस पर, इसमें खोल के दिखा देती हूँ। इसमें मेरे स्केच पेंस है और कलर्स, तो हम इसे पहले इसमें जमा लेते हैं और फिर पहले इसे हम इसमें सेट कर लेते हैं। तो ये मैंने अपने कलर्स सेट कर लिए है, तो ये ऐसे है, तो मैं अब इसे अब साइड में लगा देता हूँ उस टेबल के। तो मैंने इसे अब साइड में लगा दिया है, तो ये अच्छा लग रहा है ना, ये इसका ढकना है इसलिए मैंने इसको जगह नहीं दी, कोई बात नहीं, पर अच्छा लग रहा है ये। तो अब सेकंड चीज़ हम ले रहे हैं अपना ये ज्योमेट्री बॉक्स, तो अब इसे खोलते हैं, इसमें क्या क्या है सब कुछ निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ हम बाहर रखेंगे, क्योंकि हमें एक जो हम वर्किंग टेबल होती है वो बनाना है। तो हमने ये सब कुछ निकाल लिया, इसमें से बस एक रेजर और निकाल लेते हैं। तो अभी ये ज्योमेट्री बॉक्स रखते हैं हम साइड में। तो सबसे पहले आपको ये लेड पेंसिल्स ये यहाँ पे लगा देनी है, आपको कुछ ऐसा लगेगा आपके पास जो भी आप एक साइड में लगा दीजिए। तो ये मेरे पास ऐसे है पेंस, मैंने ऐसे कर रखे है क्योंकि मुझे वो देखनी होती है रिफिल, और फिर मैं बाद में नहीं रख भी देता हूँ। ये रेड पेन, ये भी एक ब्लू पेन, और ये दो इरेजर्स, इन्हें साइड में रख लेता हूँ। और ये एक स्केल, मैं इसे इस साइड में रखने का सोच रहा हूँ, पर यहाँ पे कुछ और आएगा तो यहाँ पे रख लेते हैं। अब मैं थर्ड चीज़ जो रखने वाला हूँ वो ये है, एक डोम्स का मैथमेटिकल बॉक्स, ये इसका प्राइस 110 रुपीज़ है। आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा पर इसका प्राइस 110 रुपीज़ है। इसके अंदर से आपको ये तीन चीज़ मिल जाएगी, इसे तो हम साइड में रख लेंगे पर इसे हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। और फिर ये जो तीन है इसे हम इस वाले उस पे रख सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे, तो मैं रख देता हूँ इन्हें, देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब हमारी फोर्थ चीज़ है, अब तो वैसे ही स्टेशनरी आइटम्स है, तो इसे हम साइड में रख लेते हैं यहाँ पे। और ये मेरे पास ग्लू है, तो ग्लू हम यहाँ रख लेते हैं, और इसकी रिफिल लगती है ये, और ये हमारी ग्लू है। मेरे पास थोड़ा ग्लेटर भी है, और एक ये भी है स्टेपलाइजर, अगर एक ख़राब हो जाता है। एंड ये टू स्केच पेंस है, एक तो है परमानेंट मार्कर और एक है मार्कर, और मेरे पास एक ब्लू पेन और है, कहीं और रखा था। तो मेरे पास अब बस ये एक शायद इरेजर और है और एक शार्पनर, तो इसे भी हम रख देते हैं। तो देखो हमारी एक टेबल रेडी हो चुकी, यहाँ पे आपको जो भी रखना है रख लो, इतनी सारी सरफेस खाली है। इधर देखो ये बॉक्स और ये दो स्टेपलाइजर, ये थ्री इरेजर्स, ये थ्री है, और ये वन टेप, ये वन, ओ यार इसे क्या बोलते हैं, वन ये शार्पनर, और ये टू मार्कर्स, एक परमानेंट और एक नॉर्मल, ये टू स्केल्स, और ये सारे पेन, और ये वाली पेंसिल्स, ये हमारा कलर बॉक्स, और ये हमारी ग्लू, ये ग्लेटर, और ये सीजर, और हमारा फिर एक ये टेबल रेडी हो चुके हैं। आप अब मैं इसे ऊपर से ज़रा दिखा देता हूँ, देखिए तो ये कुछ ऐसी है, आपको ये थोड़ी क्लियर नहीं दिख रही होगी, देखो आपको लग रहा होगा ये साइड में क्या है, ये मेरा फर्स्ट टेडी है, और अब इसकी हालत देखो क्या बन चुकी है, इसे मैं सही करवाऊंगा पर अभी नहीं। देखो ये मेरी टेबल, देखिए
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा मुझे। तो बाय बाय गाइस।